टीवी की चटपटी गॉसिप्स एंड न्यूज के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी होस्ट विजया लेकर टेली मसाला, जिसमें बताएंगे कि आज के इस एपिसोड में क्या होने वाला है खास, बताएंगे कौन आ रहा है ससुराल सिमर में, साथ ही दिखाएंगे सई का हॉट अवतार और साथ ही बताएंगे किसने छोड़ी टीवी की दुनिया। इसके अलावा और भी होगा बहुत कुछ खास, तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज टेली मसाला का ये एंटरटेनिंग सफर। टीवी एक्टर एजाज खान को टाइफाइड होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्होंने ये बातें अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताई, साथ ही इसके अलावा पवित्रा ने भी ये सारी बातें लिखी। उन्होंने एक फोटो शेयर किया जिसमें वो एजाज का हाथ पकड़े नजर आ रही हैं और लिखा, हीलिंग, जल्दी ठीक हो जाना। ससुराल सिमर का 2 में होने वाली है आशीष कपूर की एंट्री। आशीष कपूर ससुराल सिमर का 2 में NRI रुद्र का किरदार निभा रहे हैं और माना जा रहा है कि ये एंट्री रीमा की वजह से हुई है और रुद्र एक अच्छा इंसान है और वो रीमा को उसके सपने पूरे करने में उसकी पूरी मदद करने वाला है। दिया और बाती में नजर आ चुकी एक्ट्रेस कनिष्का सोनी ने भी टीवी इंडस्ट्री से अलविदा कह दिया है और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क चली गई हैं और वो हॉलीवुड में धमाल मचाने की तैयारी कर रही हैं। सई यानी कि आयशा सिंह का लेटेस्ट फोटो शूट वायरल हुआ है। गुम है किसी के प्यार में सई को आपने हमेशा सिंपल एंड सीधे साधे इंसान के रूप में देखा होगा, लेकिन अब आयशा एक बहुत ही बोल्ड फोटो शूट में नजर आ रही हैं, जिसमें वो बहुत ही शानदार नजर आ रही हैं। उन्होंने लहंगा पहना है लेकिन ये लहंगा काफी ज्यादा बोल्ड है और इस पर फैंस जम कर रिएक्ट कर रहे हैं। क्या इंडस्ट्री छोड़ रतन राजपूत कर रही हैं खेती? रतन अपने ब्लॉग में काफ़ी मस्ती करती नजर आती हैं। रतन के हालिया ब्लॉग में वो बिहार के एक गांव में सैर पर निकली हैं। रतन अवाड़ी गांव में निकली हुई हैं और वो वहां पर खेती करते हुए दिख रही हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, उनकी आवभगत की गई है और अब वो रतन खेत में काम करते नजर आ रही हैं। रतन के इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और रतन का ये सिंपल लुक भी फैंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। लग्जरी कार में वॉक पर निकले कपिल शर्मा, जिस पर फैंस ने कहा, बड़े लोग कुछ भी कर सकते हैं। कपिल ने एक स्वैकी कार के सामने खड़े होकर तस्वीर शेयर की है। इस ऑरेंज कलर की कार के सामने कपिल ऑरेंज कलर के जैकेट, शॉर्ट कैप और स्नीकर पहने नजर आ रहे हैं और इस फोटो को जमकर प्यार मिल रहा है। नागिन 6 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ये शो अब नहीं होगा अभी ऑफ एयर, बल्कि ये शो होगा एक्सटेंडेड, यानी कि इसका एक्सटेंशन होने वाला है और फिर इसके बाद जो दिखने वाला है शो वो होगा पिशाचिनी, यानी पिशाचिनी को जो पिशाचिनी आने वाला है इसके बाद ही आप ये शो देखेंगे। और अब बात ऐश्वर्या सखूजा की, जो आ रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बेन बनकर आ रही है ऐश्वर्या सखूजा। अभी ये खबर सामने आई है सोर्सेस की माने तो बहुत वक्त से तलाश चल रही थी दया बेन की। लग रहा था कि दिशा वकानी जो है वो आ रही है शो में, लेकिन दिशा वकानी जो है वो नहीं आ रही है और फाइनली ऐश्वर्या आ रही है इस शो में। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से दया बेन बनकर वो लोगों को एंटरटेन करती हैं। फिलहाल टेली मसाला में बस इतना ही। आप सबको कैसा लगा टेली मसाला आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिल्मी बीट को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।